हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। लॉग फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? इफ़ वी हैव लॉग ऑफ ए एट द बेस बी इज इक्वल टू सी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज बी टू द पावर सी इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये डेफिनेशन होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो अगर हमें ये दिया है तो यहाँ पे हम लिख सकेंगे बी की पावर सी इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो बेस बी होता है, ये बेस बी हमेशा आपका पॉजिटिव होगा और वन नहीं होगा। सो बी बिलोंग्स टू आर प्लस पॉजिटिव माइनस वन। ओके, वन नहीं हो सकता। और जो आपका ए है, दैट इज यहाँ पे जो उसका डोमेन बोल सकते हैं, या जो आपका वैल्यूज के हम जिसकी लॉग निकाल रहे हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ए बिलोंग्स टू आर प्लस अगेन। ठीक है, तो ये दोनों चीज ध्यान रखिए कि बी शुड नॉट बी वन, इट शुड बी पॉजिटिव। ए शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ए वन हो सकता है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हमारे पास कोई भी बेस बी दिया है, जैसे अगर हम बोले हमारे पास दिया है लॉग ए वन, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू हमेशा होती है इट इज जीरो। क्यों? यहाँ पे आप रख के एक बार देखिए, हम क्या कर रहे हैं, ए के पावर कुछ ऐसा नंबर लाएं जो वन बना दे। तो अगर हम माने इसको सी मान लेते हैं जीरो के जगह, तो ए के पावर सी हमें चाहिए, दैट विल गिव यू वन इस डेफिनेशन से। ठीक है, तो सी क्या होगा? सी हमेशा जीरो होगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होती है तो वो क्या होता है? वन होता है। इसीलिए ये हमेशा जीरो होता है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अगर हम पहली प्रॉपर्टी की बात करें, सो यू कैन से that if we have a log at a base b m n, so this is equal to log at the base b m plus log at the base b n। ठीक है, so अगर ये product में है तो इसको हम summation में दो logs के form में लिख सकते हैं। और इसकी proof भी हम कर सकते हैं, m bar n ले लें। ठीक है, तो फिर finally ये proof भी हो जाएगा। प्रॉपर्टीज याद रखना अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज लॉग ऑफ एट द बेस बी एम बाई एन। तो मल्टीप्लाई में हमने क्या किया? प्लस। तो डिवाइड में हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही, माइनस करेंगे। सो इट इज लॉग एट द बेस बी एम माइनस लॉग एट द बेस बी एन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं लॉग की, दैट इज पावर प्रॉपर्टी। सो पावर में क्या है? वी हैव लॉग एट द बेस बी, सपोज वी हैव m टू द पावर a, सो इसको हम लिखते हैं a log b, a log m एट द बेस b। मतलब ये जो a है पावर, ये पावर कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। ओके, सो ये चीज आप ध्यान रखिए कि पावर को अगर बाहर लाना है तो अगर m की पावर a है तो a बाहर आ जाएगा, एंड दैट विल बी log b m। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तीनों प्रॉपर्टी का, तो अगर हम पहली प्रॉपर्टी देखें फर्स्ट, ठीक है, सो सबका तीनों का हम एग्जाम्पल लेते हैं, और भी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। लेट सी द एग्जाम्पल। सपोज वी हैव वन, वी हैव लॉग बी। ओके, और यू कैन से हम यहाँ पे कोई एक नंबर ही ले लेते हैं, जैसे लॉग हम 10 लें और ऊपर हम ले दें 100। ओके, ठीक है, तो वी हैव लॉग 10 100, और यू कैन से लॉग 100 एट द बेस 10। सो दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं लॉग 10 10 प्लस लॉग 10 10। कैसे? 100 को ले सकते हैं 10 into 10, तो इस प्रॉपर्टी से हम दोनों लिख सकते हैं। और हमें पता है लॉग a टू द बेस a इज 1। सो एक और प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे बोले, फोर्थ प्रॉपर्टी, लॉग a टू द बेस a इट इज इक्वल टू 1। ये कैसे? अगर आप इसको देखिए, इस प्रॉपर्टी यहाँ पे ये चीज यूज कीजिए, a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a। सही आ रहा है, a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a। ठीक है, सो log a टू द बेस a इज 1। सो ये क्या हो जाएगा? आपको देगा, दिस विल बी गिविंग यू 1 + 1, दैट इज 2। ओके, सिमिलरली अगर हम इस प्रॉपर्टी को, इस सेम चीज को इस प्रॉपर्टी से लिखें तो क्या होगा? अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी देखें यहीं पे, तो दिस कैन बी रिटन एज log of 100 at the base 10, this is equal to log of 10 square to the base 10, और इसको आप बाहर 2 कर दीजिए, so it will be 2 log of
10 एट द बेस 10 और हमें पता है log ऑफ 10 एट द बेस 10 क्या होता है, इट इज 1. सो 2 इंटू 1 दैट विल बी गिविंग यू अगेन 2. सो यहां से भी 2 आया, यहां से भी 2 आया. अच्छा, अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखें, सेकेंड वाले को अगर प्रूव करना है, तो अगर हम बोले log ऑफ 10 100 दिया है, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 10,000 माइनस log ऑफ 10. कैसे? क्योंकि अगर हम बोले तो 100 को हम ये लिख सकते हैं ना, 100 को लिख सकते हैं दिस इज 1000 अपॉन 10. ठीक है, और जब 1000 अपॉन 10 है तो इस प्रॉपर्टी से log m एट द बेस b माइनस log n एट द बेस b हो जाएगा. तो बेस तो सबका सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 माइनस 100. 1000 क्या लिख सकते हैं, 10 to the power 3, और 10 to the power 3 लिखेंगे तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी. तो दिस विल बी रिटन एज log 10 to the power 3 एट द बेस 10 माइनस log 10 एट द बेस 10 इज 1. ओके, अब इसके लिए 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये पावर में है. सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 3 log 10 एट द बेस 10 माइनस 1. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1. सो दिस विल बी व्हाट, 3 into 1 minus 1 विच विल अगेन गिव यू 2. इससे भी 2, तीनों से 2 आ गया हमारा आंसर. ठीक है, तो ये हमने तीनों प्रॉपर्टीज प्रूव कर लिए. एक और हमने प्रॉपर्टी देख ली, दैट इज log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1. अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज बेस चेंज फॉर्मूला भी हम बोलते हैं. ठीक है, सो वी हैव द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, दैट इज ऑल्सो नोन एज द बेस चेंज फॉर्मूला. सो अगर हमें दिया है log b एट द बेस a, सो इसको हम लिख सकते हैं log b एट द बेस c by log a at the base c. हमने क्या किया कि b को अलग बेस के साथ रख दिया, डिवाइडेड by हमने c को अलग बेस के साथ रख दिया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अब बाद में बहुत यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी को. जैसे आपको दिया है log of x square x, ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log of x square at the base c डिवाइडेड बाई log ऑफ x एट द बेस c. ठीक है, तो ये चीज लिख सकते हैं. यहाँ पे एक्चुअली माइनस नहीं लगा रहे, जैसे हमने प्रॉपर्टी सेकेंड में देखा था कि माइनस लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे डिविजन हो रहा है. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द बेस चेंज प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम. इसको हम डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे. अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो एग्जाम्पल नहीं, अगर हमारे पास दिया है log of sin x at the base x, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम लिखेंगे ln of sin x upon ln of x. ln क्या होता है, ln is log at the base e. ठीक है, सो log at the base e को हम डायरेक्टली ln लिखते हैं. तो यहाँ पे हमने e बेस ले लिया दोनों का. ठीक है, हमने क्या किया, दोनों का e बेस ले लिया. ऐसे यहाँ पे हमने c का बेस लिया, तो यहाँ पे हमने e का बेस ले लिया, उसको हमने ln लिख लिया. अब यहाँ पे आप क्वेश्चन 2 लगा सकते हैं, जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि इस चीज को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 2 लगा के डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ओके, कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. सिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज log ऑफ b by a एट द बेस c. दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ log ऑफ a by b एट द बेस c. ये कैसे किया, इसको आप रख दीजिए, ये जो चीज है ये आप यहां पे देखिए, इसलिए हमने माइनस लिया. माइनस ये एक्चुअली क्या है, माइनस वन से मल्टीप्लाइड है, तो ये माइनस वन अंदर जाएगा और इसका क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा. ठीक है, ये माइनस वन हमने बाहर लिखा है, ये अंदर जाके पावर बन जाएगा. और ए बाई बी टू दी पावर माइनस वन क्या होगा, बी बाई ए, सो वही चीज आ गई. ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी बहुत बार यूज होती है, हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी 7th, एंड उसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास दिया है a टू द पावर log a टू द पावर log ax, ओके, a टू द पावर log x एट द बेस a, सो a टू द पावर log x एट द बेस a, दिस इज इक्वल टू x. ठीक है, दिस इज इक्वल टू x. हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसका मेन मोटिव यही होता है कि इस यहाँ पे जो भी लॉग होता है वो यहाँ पे चला जाता है और ये चीज यहाँ पे आ जाती है. ठीक है, ये हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखेंगे. अब इसको प्रूव भी हम कर सकते हैं डायरेक्टली,
आप इस चीज को टी मान लीजिए. लेट अस ट्राई टू प्रूव इट अगेन. सो आपको एक अच्छा सा इल्यूजन मिलेगा यहाँ पे. तो लॉग ए लॉग एक्स एट द बेस ए इज इक्वल टू टी. इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज ए टू द पावर टी इज इक्वल टू एक्स. ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें टी की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लिखी है, ये लिया है ना हमने. ओके, और हमें पता है कि टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू ये है. सो अगर हम पुट करेंगे तो डायरेक्टली एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा. तो एक हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की, फिर हमने इसी चीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा. एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे लॉग की, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और रिसेंटली जेई में इसमें क्वेश्चन भी आ चुके हैं. सो अगर हम बात करें दैट ए लॉग बी टू द बेस सी इज इक्वल टू बी टू द पावर लॉग ए एट द बेस सी, हमने इन दोनों का रिलेटिव पोजिशन चेंज कर दिया. देखिए ध्यान से, b के जगह a के जगह b. यहाँ पे भी एक्चुअली हमने वही किया, x को यहाँ पे रखा, a को यहाँ पे रखा, और हमें पता है log a to the base a is 1, इसका मतलब x के पावर 1 और x आ गया. ये एक मेन प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को आप स्टार मार्क करके रखिए, क्योंकि ये बहुत यूज आती है. जैसे अगर हमें दिया है एग्जाम्पल ने 10 टू द पावर log, और यहाँ पे आप इसे 100 रख लीजिए, 100 टू द पावर लॉग 10 5, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इट विल बी 25 डायरेक्टली. कैसे हम बता दिया डायरेक्टली, इस 5 को यहाँ 100 को यहाँ पे रख दीजिए, तो दिस इज 5 के पावर लॉग ऑफ 100 एट द बेस 10. इसको इसकी वैल्यू क्या होती है? 2, क्योंकि दिस इज 2 लॉग 10 टू 10, सो इट विल बी 5 स्क्वायर व्हिच वुड बी गिविंग यू 25. ओके, तो 25 डायरेक्टली आंसर आ जाएगा. तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं. और भी प्रॉपर्टीज हैं हम देख सकते हैं, वैसे तो बाकी सारी प्रॉपर्टी इन प्रॉपर्टी से डिराइव हो सकती हैं. एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं. अगर हम बोलें लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, दिस इज इक्वल टू 1 बाई लॉग ऑफ, चेंज हो जाता है एग्जैक्टली, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई लॉग ऑफ बी एट द बेस ए. इसका भी प्रूफ हम कर सकते हैं. प्रूफ कैसे करेंगे? हम इन दोनों को बेस ए पर आपका लॉग बेस चेंज कर देंगे. ठीक है, सो हम पता है हमें बेस चेंज फॉर्मूला है, पता है हमें. तो बेस चेंज हम कैसे करते हैं? दोनों को हम बेस चेंज कर देंगे. दोनों का लॉग हम बेस ले लेंगे ए के लिए, ऊपर वाले का लेंगे. तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? लॉग ऑफ ए एट द बेस ए अपॉन लॉग ऑफ बी एट द बेस ए. ठीक है, ये तो बेस चेंज फॉर्मूला हमें पता ही था, और हमें पता है log of a at the base a is 1, और ये क्या हो जाएगा? As it is, that is log of b at the base a. So this is equivalent to this. ठीक है, तो आप अगर हम इसको 1 by upon करें तो ये हो जाएगा. और भी कुछ properties हैं, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अगर वो सामने एक बार दिख जाएंगी तो मे बी एग्जाम टाइम्स में जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो थोड़ी जल्दी हमें समझ आ जाएंगे कि ये ऐसा भी हम कुछ कर सकते हैं. तो अगर हम एक और प्रॉपर्टी देखें, लेट अस से द 10th प्रॉपर्टी. सो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी पता है पहले से, वो प्रॉपर्टी ये है कि लॉग ऑफ बी टू द पावर एन एट द बेस ए, दिस इज इक्वल टू एन लॉग बी एट द बेस ए, राइट? ये तुम्हें प्रॉपर्टी पहले से पता है. एक इसी का कोरोनरी आप बोल सकते हैं, हम यहाँ पे अगर हम बोलें लॉग ऑफ बी ए टू द पावर एन इज इक्वल टू 1 बाई एन लॉग ऑफ बी एट द बेस ए. हमने जब ऊपर था तो मल्टीप्लाई किया, जब यहाँ पे होगा तो हम डिवाइड करेंगे. ये भी सिंपली इस चीज से, इस प्रॉपर्टी से प्रूव हो जाएगा. आप इस प्रॉपर्टी यहाँ से 9th वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए. इसको हम क्या लिख सकते हैं? लेट अस सी द प्रूफ इवन. इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई लॉग ऑफ ए टू द पावर एन एट द बेस बी. यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो ये एन बाहर चला जाएगा, तो दिस विल बी 1 बाई एन लॉग ऑफ बी लॉग ऑफ ए एट द बेस बी, राइट? अब इसको ऊपर भेज दीजिए आप. सो दिस विल बी 1 बाई एन लॉग ऑफ बी एट द बेस ए. सो यहाँ देखिए हमने वही लिखा है, 1 बाई एन लॉग ऑफ बी एट द बेस ए. सो अगर नीचे वाले पे या बेस पे पावर एन है तो 1 बाई एन होगा, अगर ऊपर के पावर एन है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये एक और एक प्रॉपर्टी है जो आप ध्यान रख सकते हैं, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी हम निकाल भी सकते हैं. इसका एक एग्जाम्पल देख लें. जैसे हमसे बोला गया है यहाँ पे
वी हैव सपोज गिवन सपोज एग्जाम्पल इज लॉग ऑफ यहाँ पे हमने लेते हैं 32 एट द बेस 4. सो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लगेगा कैलकुलेटर की जरूरत है, लेकिन बिल्कुल नहीं जरूरत है. इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी. इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, लॉग ऑफ 2 to the power 5, और इसे क्या लिख सकते हैं 2 square. अब डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई में जाता है, इसका डिवाइड में जाता है, दिस विल बी 5/2 लॉग ऑफ 2 at the base 2. दिस विल बी डायरेक्टली गिविंग यू 5/2. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2. ठीक है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं. अदरवाइज फिर आपको काफी सारी प्रॉपर्टीज लगानी पड़ती. पहले आप बेस चेंज करते हैं, इसको बेस चेंज से भी लगा सकते हैं ना, इसीलिए बेस चेंज पढ़ाया गया था. अगर दोनों को बेस से 2 ले लीजिए, तो दिस विल बी लॉग 32 एट द बेस 2 अपॉन लॉग 4 एट द बेस 2. अब लॉग 32 एट द बेस 2 क्या लिख सकते हैं, 5. इसको लिखेंगे 5 लॉग ऑफ 2 2. सिमिलरली दिस विल बी 2 लॉग ऑफ 2 2. सो इधर से भी 5/2, इधर से भी 5/2. तो जो आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हैं. यहाँ पे कोई और नंबर 7 और 9 दिया होता तब पर भी हम 1/2 लॉग ऑफ 7 एट द बेस 9 लिख लेते. सो ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, दैट इज प्रॉपर्टी 8. सो प्रॉपर्टी 8 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं. तो इस प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान रखिएगा. ठीक है, ए टू द पावर लॉग बी एट द बेस सी इज इक्वल टू बी लॉग टू बी टू द पावर लॉग ऑफ ए एट द बेस सी. नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉगरिथम जो जेई एडवांस में आ चुके हैं. जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर में 4 क्वेश्चंस आए थे बेस्ड ऑन लॉगरिथम. उन चारों क्वेश्चन को हम देखेंगे. ट्राई कीजिएगा कि पहले आपको सारे इस फॉर्मूले आते हैं, अपने से क्वेश्चन ट्राई करके बनाने की कोशिश कीजिएगा इन फॉर्मुलों के ऊपर, और अपने से ट्राई कीजिएगा कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल चीजें क्लैरिटी हो और सब चीज सही हो. तो एक बार वापस हम सारे प्रॉपर्टीज को स्टार्टिंग से देख लेते हैं. प्रॉपर्टी 1, सो दिस वॉज योर प्रॉपर्टी 1, जिसमें हमने 2 m प्लस एन लिखा. प्रॉपर्टी 2 में m माइनस एन लिखा. थर्ड में a टाइम्स लिखा. फोर्थ में ये प्रॉपर्टी है. फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए ये है जिसमें हमने बेस चेंज लिखा. सिक्स प्रॉपर्टी में हमने माइनस टाइम को रेसिप्रोकल किया. सेवन्थ प्रॉपर्टी में दिस वॉज a को यहाँ पे शिफ्ट किया, x को नीचे लाया. सेवन्थ और 8 ऑलमोस्ट सेम जैसी हैं. b को शिफ्ट किया, a को ऊपर लाया. नाइन्थ प्रॉपर्टी में इसका हमने बेस मतलब बेस को दोनों को चेंज किया, बेस और इसको. सो दोनों चेंज हो गए, इंटरचेंज हो गए 1/अपॉन करने पे. नेक्स्ट टेंथ प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो टेंथ प्रॉपर्टी में हमने जो अगर बेस की पावर समथिंग है तो उसको हमने बाहर लेके आए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.